फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले फेडरल बैंक के बारे में। फेडरल बैंक ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर किया है, रिजल्ट बहुत ही अच्छे है जिस कारण हमने ये स्टडी 4% का जंप देखा। बट ये स्टॉक एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब खड़ी है जो है 105 का रेजिस्टेंस। इसने बहुत टाइम से नहीं तोड़ा, जब तक ये 105 को क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें फ्रेश मूवमेंट आना थोड़ा इंपॉसिबल लगता है। अगर ये रेंज ये ब्रेक करता है तो 115-130 तक स्टॉक जा सकता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट है फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर 105 फिर से ये क्रॉस नहीं कर पाता, सो इन दैट केस ये 95-105 इसी रेंज पे कंसोलिडेट करेगा, मार्केट करेक्शन में 90 तक आएगा। दैट इज अ बाइंग जोन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। वी ऑल नो दैट रिजल्ट इज गुड, प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा जंप हमने देखा है। अगर स्टॉक का हम प्राइस टू अर्निंग देखते बिलो 10 है, जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अगर हम इस स्टॉक का एवरेज ब्रोकरेज टारगेट देखें 118-120 के पास है, सो ईच एंड एवरी पैरामीटर दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज गुड। बट आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू बाय दिस स्टॉक एट दैट मोमेंट। करेक्शन में स्टॉक को आपको बाय करने फ्रॉम द रेंज ऑफ 95-100 एंड फिर से अगर 100 के नीचे आता है तो उसी रेंज पे कंसोलिडेट करेगा फ्रॉम द रेंज ऑफ 90-100। सो जब 90 के करीब है तभी आपको बाई करना है। अगर 105 क्रॉस करके बाद ये सस्टेन करता है देन आपको फ्रेश बाइंग करना है। एट दैट मोमेंट वेट एंड वॉच। टेक्निकल से अगर हम देखें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 को स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में इसका स्कोर है 71, एमएसआई में 85। यानी शॉर्ट टर्म में हम जानते हैं स्टॉक ने कितना बढ़िया मूवमेंट दिया। रिसेंट करेक्शन में ये स्टॉक 78 तक गया था, वहां से 104, जो कि एक बहुत ही बड़ा जंप है फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर आप इसको परसेंटेज में देखें सो मोर देन 30%। इसीलिए आरएसआई में 72 MFI में 85 के करीब है, जो कि क्लियरली ये दिखा रहा है कि 105 अगर क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता तब तक आपको स्टॉक को बाय नहीं करना है। नेगेटिव न्यूज में डेफिनेटली आप सेल कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस 105। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें, सारे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 90 से 95 के बीच है। 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 92 के करीब है, 193। सो दैट इज आई एम सेइंग कि 90-95 इज द रेंज जहां पे आपको स्टॉक को बाय करना है। रिजल्ट अच्छे, सो जब भी नीचे जाए तब भी आपको एक्युमुलेट करना है, बट डिपेंडिंग ऑन द न्यूज, क्योंकि कितना गिरेगा इसका आपको अंदाजा होना चाहिए। अगर आप स्टॉक का वन वीक हाई लो देखोगे सब देख सकते हो। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने जो हाई लगाए हैं लास्ट वीक वो है 103 एंड लो है 96। वन मंथ हाई लो अगर देखें 84-103, थ्री मंथ हाई लो 82। सो दैट इज समथिंग इज ऑल अबाउट आई एम ट्राइंग टू से। अगर 90 ये ब्रेक करता है 85 तक स्लिप हो सकता है। 80 सबसे बड़ा स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो आपको ध्यान पे रख के काम करना पड़ेगा। अभी अगर इस स्टॉक का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखें सो ओनली वन रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक जो कि 105 है। 105 के ऊपर अगर सस्टेन करता है देन ओनली ये ऊपर की तरह मूव करेगा, क्योंकि वन ईयर हाई भी 107.65 एंड सिक्स मंथ हाई 106 है। सो दैट इज यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। अभी के लिए अगर आपको बाय करना है तो 100 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। अगर 100 आपको स्टॉप लॉस लगाने में थोड़ा डर लगता है सो 99 तक आप जा सकते हो, बट मेरा एडवाइस यही है 100 के नीचे अगर आए तो स्टॉक फिर से 95 तक स्लिप हो सकता है। मार्केट इज वोलाटाइल, मार्केट इज चॉपी। बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा रन किया, अगर करेक्शन में प्रॉफिट बुकिंग आता है सो डेफिनेटली मिड कैप बैंकिंग में सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसका होगा। बट डेफिनेटली गुड स्टॉक, नीचे मिले तो बाई कीजिए 90 के करीब। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के फंडामेंटल्स देखोगे जिसमें सो रिजल्ट पे आप देख सकते हो, अगर रेवेन्यू देखे 3,843 करोड़ 3,687 करोड़, यानी रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 160 करोड़ का जंप हम देख सकते हैं। एक्सपेंसेस जो है उसमें थोड़ा बहुत गिरावट है जो कि पॉजिटिव फैक्टर है, 1,351 करोड़ वर्सेस 1,363 करोड़, जिस कारण फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है उसमें हम देख सकते हैं 388 करोड़ का जंप आया वर्सेस 294 करोड़। ईच एंड एवरी पैरामीटर्स प्रॉफिट इज गुड एंड नेट प्रॉफिट 634 करोड़ वर्सेस 588 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छा नेट प्रॉफिट है एंड वन ऑफ द ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी ने शो किया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। उससे भी अच्छा फैक्टर है ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए 2.78 से गिर के 2.67% आया, जो कि बहुत ही अच्छा है। नेट एनपीए 0.98% से 0.96% आया, हालांकि बहुत बड़ा डिक्लाइन तो नहीं है, बट डेफिनेटली जो रेट है वो नीचे की तरफ है, जो कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनपीए घटने का मतलब होता है प्रोविशनिंग घटना, जिसका इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है। सो ओवरऑल रिजल्ट इज वेरी गुड। आने वाले क्वार्टर में अगर एनपीए ए पे रहते हैं यानी नेट वेन बिलो 1%, सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, यहाँ से बढ़ना नहीं चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत ही अच्छा बैंक का, सो आने वाले क्वार्टर में वो इसी चीज को मेंटेन करेंगे। पीएस के साथ कंपेयर करें बैंकिंग सेक्टर में, वी नो के जो फेडरल बैंक है वो एक लार्ज कैप बैंकिंग से तो बिलोंग नहीं करता एंड रैंकिंग वाइज नंबर 16 पे आता है अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट कैप। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अनदर बैंक जो कि बहुत ही अच्छा बैंक है, इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है बट ये बहुत गिर चुका है। फेडरल बैंक इज अ डिफेंसिव बैंक जिसको आपको नीचे की तरफ बाई करना है, 105 के करीब प्रॉफिट बुक करना है। इसी के साथ साथ अगर आप किसी और बैंक की तरफ जाना चाहते हो तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका भी परफॉर्मेंस अच्छा है
अनदर बैंक इज बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि पीएसयू सेगमेंट पे, वो भी अगर आपको 100 के करीब मिले वहां पे भी आपको पोजीशन बनानी है। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बैंक इन द मिड कैप बैंकिंग एज फार एज माय पर्टिकुलर रिसर्च इज कंसर्न। उसी के साथ साथ बंधन बैंक इज अनदर गुड बैंक जिसके रिजल्ट भी अच्छे। सो नीचे मिले बंधन बैंक को भी आप एक्युमुलेट कर सकते हो। दैट इज ऑल अबाउट मिड कैप बैंकिंग। अगर हम स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, आप देख सकते हो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें एफआई का 26%, डीआई का 43% एंड पब्लिक होल्डिंग 30%। यानी जो स्टेक है उसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग ऑलमोस्ट जीरो है, डीआई का अच्छा खासा स्टेक है जो कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, एफआई का स्टेक भी अच्छा है। सो यानी एक अगर सेल करता है दूसरा बाई करेगा, ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इज वेरी गुड। सो ओवरऑल फेडरल बैंक इज अ गुड बैंक। आपको बाई करना है 90 के करीब, सेल करना है 105 के करीब, 105 क्रॉस करने के बाद सस्टेन करता है, देन आपको फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा तब आपको बाई करना है। बहुत ही सिंपल चार्ट है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।